तो डियर यहाँ पे आपका जो अपडेट है वो आपका बीसीसी बोर्ड की तरफ से मेजर अपडेट आपका जो है जारी किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि बीसीसी बोर्ड की तरफ से जो भी अपडेट्स आप लोगों के लिए आता है सारी अपडेट आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाता है ना। तो यहाँ पे आप लोग जो है एक बार अपने दोस्तों के साथ जो है यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता जो है चल सके। और ये आपका रिलेटेड है ऑफलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड। तो कल के डेट में भी जो है मैंने एक सॉरी तो कल के डेट में भी जो है मैंने एक अपडेट आप लोगों को जो है प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने बताया था कि वेटनरी कोर्सेज के लिए जो ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित की जा रही थी जिसका आप लोग जो है अपना फॉर्म भरे थे तो उसका जो है डेट जो है जारी किया गया था और टाइम जो है जारी किया गया था फॉर काउंसलिंग शेड्यूल है ना। तो अब यहाँ पे आपका और रैंक कार्ड भी जो है आप लोग चेक किए थे लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे जो है इस नोटिस को हटा दिया गया था। ठीक है, कुछ देर बाद इस नोटिस को हटा दिया गया था और आज 21 अक्टूबर है ना आज फिर से रिवाइज डेट मतलब उसमें डेट में बदलाव करते हुए जो है आपका नया जो है नोटिस जारी किया गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका रैंक कार्ड की। तो रैंक कार्ड पे आपको जो है क्या करना है क्या हो गया आज गले में खराश आ रहा है शायद पानी पी लिए होंगे ठंडा। तो यहाँ पे आपका जो है क्या डालना है यूजीएमएससी आईडी डालना है डेट ऑफ बर्थ डालना है और सो रैंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रैंक कार्ड है ना जो रैंक कार्ड है ये आपका जो है यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग नोटिस की ओर प्रोसीड करते हैं और ये रहा आपके पास नोटिस। नोटिस में यहाँ पे जो है दिया गया है कि 21 तारीख का ये नोटिस है वेटनरी कोर्सेज के लिए आपका यहाँ पे होने वाला है ऑफलाइन काउंसलिंग के रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको जो है बताया है कि एक ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जो है यहाँ पे दिया गया है आप लोग फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड और स्ट्रे राउंड काउंसलिंग में जो है आप लोग जो भी कॉलेज आपको मिला था उसमें से आप संतुष्ट नहीं है आप अपना नीट कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे जो है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जो है आपका नोटिस दिया गया था है ना। इसके लिए जो है न्यू रजिस्ट्रेशन भी कई सारे लोगों को मौका दिया गया था जो कि मैक्सिमम लोग किए थे। तो यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है वो आपका 30 अक्टूबर से आपका जो है दिया गया है रिवाइज्ड डेट आपका यहाँ पे जो है दिया गया है ना और 31 अक्टूबर दो दिन जो है आपका होने वाला है ना 30 और 31 अक्टूबर को आपका जो है यहाँ पे काउंसलिंग जो है आपका होने वाला है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स है जो कल मैंने डॉक्यूमेंट बताया था डॉक्यूमेंट्स वही हैं। इसमें रिवाइज्ड में क्या किया गया है कि कुछ लोगों को जो है हटाया गया है और कुछ लोगों को ऐड किया गया बस यही सिंपली मानकर चलिए बाकी कुछ चेंजेस नहीं किया गया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको जो है समझ में आया हो और अगर कोई और सवाल रहता है ना तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि जब तक आप कमेंट करके हमें नहीं बताइएगा हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों का क्या सवाल है क्या नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू।